हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए कल के एडिटोरियल्स देख लेते हैं। कल की वीडियो अपलोड नहीं हुई थी तो इसके एडिटोरियल्स आज देखते हैं। तो काउंटरिंग हेट में जो है फर्स्ट आर्टिकल कुछ ऑनर के लिंक पर बेस्ड है, तो इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे। यहाँ पे है राइट्स एंड रॉन्ग। तो ये अभी एक बिल है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 2016, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद स्टैब इन द हार्ट ऑफ पीस प्रोसेस। तो ये अगेन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने इज़राइल की कैपिटल जो है जेरूसलम को डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो वहाँ पे अपनी एम्बेसी शिफ्ट करने की बात की है। उसके बाद अगेन ये आर्टिकल जो है, वैसे यहाँ पे लिखा है माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो एमर्जिंग माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये फिर से आर्टिकल जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पर बेस्ड है, ठीक है, लेकिन इस बार रेजिस्टेंस जीन पे, ठीक है। तो ये आर्टिकल हम एक बार अच्छे से देख लेंगे, आगे चलते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल है राइट्स एंड रॉन्ग्स। तो जैसे मैंने आपको बोला कि द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2016 पर बेस्ड है ये, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब इसमें जो है पहला जो जजमेंट आया था वो आया था नालसा का, ठीक है, 2014 में। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2014 व्हेन सुप्रीम कोर्ट गेव अ लैंडमार्क वर्डिक्ट, ठीक है, इन नालसा केस। तो ये जो है एक मेजर स्टेप था, जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स होते हैं उनको जो है थर्ड जेंडर का स्टेटस देने के लिए, ठीक है। एक तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, द कोर्ट रिकॉग्नाइज द कम्युनिटी एज थर्ड जेंडर एंटाइटल्ड टू सेम राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एज अदर सिटीजन्स, ठीक है। तो टू एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक, जैसे यहाँ पे मेंशन है बेस्ड ऑन जेंडर। उसके बाद यहाँ पे है ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैड अ पॉजिटिव राइट टू मेक डिसीजन अबाउट देमसेल्फ, एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी राइट। तो यहाँ पे जो है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की बात हुई है, ठीक है, राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे टू अकॉर्ड देम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेटस। तो यहाँ पे जो है इनको सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड का स्टेटस जो है देने की बात की थी, देने के लिए गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इनको सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड का स्टेटस देंगे तो इनको जो है रिजर्वेशन दे सकते हैं फिर हम जॉब्स में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस के लिए, ठीक है। तो हम इनको जो है रिजर्वेशन दे सकते हैं, सो दे कुड बेनिफिट द अफर्मेटिव एक्शन। तो उसके बाद जो है, उसके बाद एक बिल इंट्रोड्यूस होता है, ये देखो यहाँ पे जैसे लिखा है, इन 2014 अ प्राइवेट मेंबर्स बिल मूव्ड बाय डीएमके एमपी तिरुची एंड सिवा, ठीक है, वॉज पास्ड इन राज्यसभा। तो ये बिल जो है राज्यसभा में पास हुआ था, बट इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने की बजाय गवर्नमेंट ने अपना ही एक बिल जो है इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये जो इन्होंने अपना बिल इंट्रोड्यूस किया था, एक तो इन्होंने 2015 में एक बिल, ठीक है, पहले 2014 वाला बिल तो यही है जो यहाँ पे दिखा रहे हैं। 2015 में भी एक बिल आया था, जो कि एक तरह से इन्होंने अपनी वेबसाइट पे कमेंट्स के लिए अपलोड किया था, बट उसके बाद जो है ये बिल फेयरली प्रोग्रेसिव था, बट इसमें कुछ चीज़ें जैसे कि नेशनल नेशनल कमीशन, नेशनल एंड स्टेट कमीशन, ठीक है, नेशनल एंड स्टेट कमीशन फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, ये चीज़ इसमें नहीं थी। दूसरा, यहाँ पे ट्रांसजेंडर कोर्ट्स भी नहीं थे, बट ये वाला बिल जो है फिर भी फेयरली प्रोग्रेसिव था। जो 2016 में बिल जो गवर्नमेंट ने दोबारा से इंट्रोड्यूस किया, हाँ, तो उसमें जो है ये हाईली डाइल्यूटेड बिल है, ठीक है। तो इसमें जो जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी वो सब देखने को नहीं मिल रही, तो एक तरह से हाईली डाइल्यूटेड बिल है ये, और इसी बिल को हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन द लोकसभा द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इट्स ओन बिल विच वॉज रेफर टू स्टैंडिंग कमिटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो जुलाई 2017 में रिपोर्ट सबमिट करी है, और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये हाईली डाइल्यूटेड बिल की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें है
एक बार ये बिल दिखा देती हूँ आपको। तो ये बिल है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे बिल डिफाइंस अ ट्रांसजेंडर पर्सन एज वन हु इज पार्टली फीमेल और मेल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है, हाईली सॉरी नीदर फीमेल और नॉर मेल। तो ये डेफिनेशन ही जो है पढ़ने में ही इतनी खराब लग रही है। तो इसकी सॉरी इसकी डेफिनेशन पे ही जो है सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। मोरोवर, अच्छा और प्रोविजंस देख लेते हैं एक बार, कि ट्रांसजेंडर पर्सन मस्ट ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की बात की थी, वो तो पूरी तरह से एक तरह से उस पर तो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया है, ठीक है, कि उनको जो है अपनी आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ठीक है, एज अ प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन एंड टू इन्वोक राइट्स अंडर द बिल, ठीक है। सच अ सर्टिफिकेट वुड बी ग्रांटेड बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ स्क्रीनिंग कमिटी। द कमिटी वुड बी अ मेडिकल ऑफिसर, अ साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर एंड अ गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड अ ट्रांसजेंडर वन, मतलब इन सबको मिला के जो है एक स्क्रीनिंग कमिटी बनेगी, और जब स्क्रीनिंग कमिटी रेकमेंड करेगी, ठीक है, तभी जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है सर्टिफिकेट इशू करेगा। तो ये चीज अब यहाँ पे है। फोर्थ यहाँ पे है कि द बिल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ, चलो ये तो ठीक है, ट्रांसजेंडर पर्सन इन एरिया सच एज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ केयर। इट डायरेक्ट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड वेलफेयर स्कीम्स। यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है, ऑफेंसेस लाइक कंपेलिंग अ ट्रांसजेंडर पर्सन टू बैग, डिनाइल ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेस, फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज एटसेट्रा वुड अट्रैक्ट 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन, ठीक है। तो ये तो इन्होंने जो है, लेकिन जो बाकी के जैसे जो बाकी मेल एंड फीमेल किससे रिलेटेड जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं, ठीक है, तो उसमें जो है ट्रांसजेंडर पर्सन्स को अभी तक इंक्लूड नहीं किया है। तो ये भी एक इस पे भी जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस पॉइंट पे भी, ठीक है। अब इसमें अगर हम एनालिसिस देखें तो देखो जैसे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का जो राइट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखना कि राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन अंडर आर्टिकल 21 तो इज अ पार्ट ऑफ राइट टू डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी। हाउएवर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मे बी रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वंस जेंडर इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर एंटाइटलमेंट। तो यहाँ पे जो है द बिल स्टेट्स दैट अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्रांसजेंडर वुड हैव अ राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, हाउएवर इट डज नॉट प्रोवाइड एनफोर्समेंट ऑफ सच राइट। बोल तो दिया है कि दे वुड हैव राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, बट उसको एनफोर्स नहीं किया गया है, ठीक है। उसके लिए एक स्क्रीनिंग कमिटी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ पे एंड स्क्रीनिंग कमिटी सॉरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड यहाँ पे स्क्रीनिंग कमिटी वुड इशू अ सर्टिफिकेट टू ऑफ आइडेंटिटी टू रिकोगनाइज ट्रांसजेंडर पर्सन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाउएवर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मे बी रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वंस जेंडर इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर एंटाइटलमेंट, बट यहाँ पे तो जो है स्क्रीनिंग कमिटी एंड देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही जब सर्टिफिकेट इशू करेंगे तभी जो है उनको बेनिफिट मिल पाएगा। दूसरा यहाँ पे डेफिनेशन पे इशू बन गया है कि यहाँ पे डेफिनेशन जिस तरह से इन्होंने दी है, ठीक है, इज एट वेरियंस विद डेफिनेशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल बॉडीज एंड एक्सपर्ट्स इन इंडिया। द बिल इंक्लूड टर्म्स लाइक ट्रांस मैन, ट्रांस वेमेन, पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशन, जेंडर क्विड्स इन इट्स डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। हाउएवर दीज टर्म हैव नॉट बीन डिफाइंड, इनको डिफाइन नहीं किया गया है। उसके बाद सर्टेन क्रिमिनल एंड पर्सनल लॉज दैट आर करेंटली इन फोर्स ओनली रिकोगनाइज द जेंडर्स ऑफ मैन एंड वुमेन। इट इज अनक्लियर हाउ सच लॉज वुड अप्लाई टू ट्रांसजेंडर पर्सन हु मे नॉट आइडेंटिफाई विद ईदर ऑफ टू जेंडर। तो ये भी यहाँ पे एक है। तो अब इस आर्टिकल में जो है बोला गया है कि इट डिसएग्रीड द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर इन ड्राफ्ट बिल, ठीक है, ये हमने देख लिया। वांटेड मॉडिफिकेशन टू ब्रिंग इट इन लाइन विद ग्लोबल नॉर्म। सेकेंड पॉइंट इज डेफिनेशन वायलेटेड द प्रिंसिपल दैट ट्रांसजेंडर पर्सन हैव अ राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर जेंडर। ये जो कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रेकमेंड किया था, तो उन लोगों ने ये चीज सब चीजें बोली हैं। थर्ड यहाँ पे है पॉइंटेड टू एब्सेंस ऑफ एनी रेफरेंस टू इम्प्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल एंड सिविल लॉज।
ठीक है, यहाँ पे है फोर्थ पॉइंट है, प्रोविजंस ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन वुड प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी। कौन सा पॉइंट है ये है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे था द बिल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन इन एरिया सच एज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ केयर। इट डायरेक्ट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड वेलफेयर स्कीम इन दिस एरिया। तो ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, वुड प्रमोट दिस दिस प्रोविजन वुड प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द प्रोसेस द रियल बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन जॉब्स शुड नॉट बी डिनाइड। तो यहाँ पे ये चीज़ है, सोशल लेजिस्लेशन शुड नॉट बी मेरली बेनोवेलेंट। बेनोवेलेंट मतलब होता है बेनिफिशियल, रादर इट शुड बी एम्ब्यूड विद एन अप्रोच दैट एक्सटेंड टू मार्जिनलाइज सेक्शन द फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी दैट अदर सिटीजन्स एंजॉय। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ दी हुई है। उसके बाद है, इट इज अप टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे। सब कुछ गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करता है एट द एंड, कि वो इंक्लूसिव अप्रोच अडॉप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। इग्नोरिंग द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स एंड पार्लियामेंट्री कमिटी डज नॉट हेल्प द प्रोसेस। द सेंटर शुड रिविजिट इट्स ड्राफ्ट एंड इनकॉर्पोरेट इनपुट्स ऑफ स्टैंडिंग कमिटी और एक्सपर्ट पैनल ने जो बातें बोली हैं उनको जो है ड्राफ्ट बिल में इंक्लूड करेंगे, तभी कुछ बात बनेगी, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। स्टेप इन द हार्ट ऑफ पीस प्रोसेस। तो ये जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की कैपिटल जो है जेरूसलम को डिक्लेयर कर दिया है, तो कल यानी कि 8 दिसंबर को भी मैंने ये आर्टिकल डिस्कस किया था, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हिस्ट्री में, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है, एक ब्रीफ में यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो जैसे सबसे पहले जियोनिस्ट मूवमेंट, ठीक है, तो इसमें क्या है, जितने भी ज्यूस हैं, ठीक है, तो वो पहले जो है इसराइल का स्टेट, इसराइल पहले एक अलग स्टेट नहीं था, ये पूरा एरिया जो है पैलेस्टीन माना जाता था। ठीक है, तो पहले इसराइल का कोई स्टेट नहीं था, पूरा एरिया पैलेस्टीन माना जाता था। तो सारे ज्यूज के लिए जो है एक सेक्रेड साइट है ये। ठीक है, तो इसको होली लैंड बोलते हैं। तो इन लोगों को जब यूरोप वगैरह में इतना परसिक्यूशन वगैरह हो रहा था, तो यूरोप या ऑल ओवर द वर्ल्ड जब परसिक्यूशन वगैरह हो रहा था, तो इन लोगों को तब यही लगा कि हमारी होली लैंड ही हमारे लिए एक सेफेस्ट प्लेस है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसमें माइग्रेट करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद आते हैं यूएन पार्टीशन प्लान 1947। अब यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, कि एक इज़राइल का सेपरेट स्टेट जो है क्रिएट होता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज़ होती है इक्वल डिवीज़न ऑफ टेरिटरी। ठीक है, कि इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में जो है टेरिटरी का इक्वल, मतलब समान विभाजन बोल सकते हैं। ठीक है, इक्वल डिवीजन ऑफ टेरिटरी। यहाँ पे जेरूसलम को वो बोलते हैं कि इंटरनेशनल कंट्रोल में होगी। ठीक है, जेरूसलम किसी को भी नहीं दिया है, इंटरनेशनल कंट्रोल में होगी। तीन पॉइंट्स हैं इसमें, यूएन पार्टीशन प्लान या बोल सकते हो रेजोल्यूशन प्लान। ठीक, अरब इजरायली वॉर होती है उसके बाद 1 साल बाद ही। तो इसमें जो है आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं, जैसे कि इजिप्ट हो गया, यहाँ पे जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, और इसमें इराक भी शामिल था। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, मिलके इसराइल पे अटैक कर देते हैं। तो अब जो है, अच्छा, इसमें अरब इजरायली वॉर के बाद क्या होता है, कि जो इसराइल है वो 23% ऑफ टेरिटरी जो है अपनी एक्सटेंड कर देता है, जितना यूएन पार्टीशन प्लान में टेरिटरी डिसाइड हुई थी। ठीक है, उससे 23% ज़्यादा टेरिटरी जो है ऑक्यूपाई कर लेता है। प्लस यहाँ पे वेस्ट जेरूसलम को भी जो है अपने अंडर कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। अब वेस्ट जेरूसलम तो उसने ले लिया, मतलब हाफ जेरूसलम तो ले लिया, हाफ जेरूसलम उसने कैप्चर कर लिया। ठीक, तो अरब इजरायली वॉर में ये होता है कि 23% मोर टेरिटरी प्लस वेस्ट जेरूसलम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे 6 डे वॉर होती है। तो 6 डे वॉर में
सिक्स डे वॉर में जो है इजिप्ट, जॉर्डन एंड यहाँ पे सीरिया, ठीक है, तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता है इसराइल, और इजिप्ट से चला जाता है सिनाई बॉर्डर, सिनाई जो इनका पेनिसुला है, ठीक है, और यहाँ पे जो है गाजा भी अंडर कंट्रोल हो जाता है इसराइल के, और फिर जॉर्डन से जो है, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और सीरिया से गोलन हाइट, ठीक है, ये वेस्ट बैंक है, गोलन हाइट, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इसराइल के पास चली जाती हैं, ये इतना एरिया जो है वो इसराइल के पास चला जाता है, मतलब इसराइल का एरिया जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। तो ये है सिक्स डे वॉर। अब सिक्स डे वॉर के बाद जो है यहाँ पे, हालांकि इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला वो रिटर्न कर देता है, ठीक है, इजिप्ट, जॉर्डन एंड सीरिया, सीरिया का गोलन हाइट अभी भी डिस्प्यूटेड है, यहाँ पे जॉर्डन से जो है वेस्ट बैंक ले लेता है, तो वेस्ट बैंक, हालांकि वेस्ट बैंक में, वेस्ट बैंक और गाजा में अभी सेल्फ गवर्नेंस बोला हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है एक तरह से अंडर इसराइली कंट्रोल ही है, ठीक है, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला वापस कर दिया, गाजा में इस टाइम पे हमस का कंट्रोल है, ठीक, क्या है इसको बताती हूँ आगे, यहाँ पे ऑस्लो पीस अकॉर्ड 1993 हुआ फिर उसके बाद, ठीक, तो अब इसमें क्या है, ऑस्लो पीस अकॉर्ड में इन दोनों के बीच में समझौता होता है एक तरह से, यहाँ पे इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में समझौता होता है, तो इसमें जो है ये इस नेगोशिएशन में क्या होता है कि पीएलओ है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये रिकॉग्नाइज करता है इसराइल को कि हाँ आप अलग स्टेट हैं, इसको रिकॉग्निशन देता है, बदले में इसराइल क्या करता है, इसराइल इनको बोलता है कि पीएलओ को, जिसको पहले एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था, तो इसको जो है वो बोल देता है कि हाँ आप रिप्रेजेंटेटिव हो ऑल पैलेस्टीनियंस, ठीक है, तो आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे कैंप डेविड अकॉर्ड है, ठीक है, ये फर्स्ट कैंप डेविड अकॉर्ड 1, तो ये हुआ था 1978 में, ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इसमें इजिप्ट जो है रिकॉग्नाइज करता है इसराइल को, उसके बाद यहाँ पे ऑस्लो पीस अकॉर्ड हो जाता है, फिर यहाँ पे कैंप डेविड अकॉर्ड जो है सेकंड होता है 2000 में, जिसमें टॉक्स फेल हो जाती हैं, और यहाँ पे इन्होंने बोलता है कि 5 साल के लिए पीस जो है हम मेंटेन करेंगे, दूसरा यहाँ पे जो पीएनए यानी कि पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी है उसको सेल्फ गवर्नेंस का राइट दे देता है यहाँ पे, ठीक है, कि आप सेल्फ गवर्नेंस करो वेस्ट बैंक में और गाजा में, ठीक। फिर जो है यूएस डिक्लेयर जेरूसलम एज कैपिटल ऑफ इसराइल, तो अब यहाँ पे 2017 की बात कर रही हूँ मैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पहले तो कि ये बात जो है समझनी होगी कि बिना इसराइल, बिना जेरूसलम का स्टेटस जो है डिसाइड किए इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सॉल्व नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि यूएस प्रेसिडेंट ने कोई क्लैरिफाई नहीं किया है यहाँ पे कि ईस्ट जेरूसलम को उन्होंने मतलब ईस्ट या वेस्ट, किस जेरूसलम की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि ईस्ट जेरूसलम को जो है वेस्ट बैंक, ये जो पैलेस्टीनियन एरिया है वो अपनी फ्यूचर कैपिटल की तरह देखता है, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, और इसराइल का है पॉइंट की कंप्लीट एंड यूनाइटेड जेरूसलम जो है उसकी टेरिटरी है, ठीक है, उसकी कैपिटल होनी चाहिए कंप्लीट एंड यूनाइटेड, तो यहाँ पे ये चीज़ है, और उसके बाद जो है ये कोई डिप्लोमेटिक, इसको डिप्लोमेटिक मूव जो है एक्सपर्ट्स नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक मूव में जो है कंसल्टेशन करनी होती है दोनों साइड से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई कंसल्टेशन तो हुई नहीं है, मतलब यहाँ पे पैलेस्टीनियंस का तो कोई ओपिनियन रखा ही नहीं गया है, किसी ने जो है नहीं रखा है, ना ट्रम्प ने यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक है, तो कोई कंसल्टेटिव कंसल्टेशन नहीं हुई है दोनों, मतलब एक कंसल्टेशन ज़रूरी है दोनों साइड से अगर डिप्लोमेटिक मूव ऐसा कोई होता ये तो। उसके बाद यहाँ पे और चीज़ें जो दी हुई हैं इसमें, एक तो ये है कि यहाँ पे इसराइल क्या कर रहा है, यहाँ पे वेस्ट बैंक में अपने सेटलमेंट्स एनकरेज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे अपने इलीगल सेटलमेंट्स, तो इसको जो है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है क्रिटिसाइज कर रही है। उसके बाद यहाँ पे है कि 1980 में
एक लिक्विड गवर्नमेंट थी, ठीक है, लिक्विड गवर्नमेंट वॉज इन पावर इन इज़राइल, ठीक है। तो उसने बोला था कि यहाँ पे जेरूसलम, जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट एंड यूनाइटेड की बात की है, तो ये जो है लिक्विड गवर्नमेंट ने बोला था, ठीक है। तो अब देखो, यूएन ने जेरूसलम को एक तरह से इंटरनेशनल कंट्रोल में रखने की बात कही थी, तो इसने जो है उसको भी एक तरह से वायलेट कर दिया, और फिर भी जो है यूएस चुपचाप देख रहा है, और उस बल्कि इसराइल को ही सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके इसी टाइम पे जब जब मतलब कंप्लीट एंड यूनाइटेड की बात करी थी, तो यूएनएससी ने जो है अपने जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, उन्होंने उन्हें बोल रहा था कि आप अपनी एम्बेसी जो है यहाँ से हटा लो, मतलब जेरूसलम से, अपनी अपना जो भी डिप्लोमेटिक मिशन है विदड्रॉ कर लो होली सिटी से। तो अब जो है सारी एम्बेसीज टेल अवीव में है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और इसमें बाकी तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ जो भी था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स हैं इज़राइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट में, जो बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, इस आर्टिकल में कुछ चीज़ें और दी हुई हैं कि ऑन पैलेस्टीनियन साइड कंडीशंस फॉर टॉक्स, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे अगर डिप्लोमेटिक मूव होता ये, तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है दोनों साइड से कंसल्टेशन करते, कंसल्टेशन फ्रॉम बोथ साइड्स, सॉरी कंसल्टेशन विद बोथ बोथ साइड्स, ठीक है। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो कंडीशन फॉर टॉक्स नाउ लुक बेटर, इस टाइम पे जो बात करने की एक स्थिति है वो जो है बेटर दिख रही थी, क्योंकि जो हमस है जो गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल कर रहा है फिलहाल, ठीक है, ये जो गाजा स्ट्रिप है इसको हमस कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ पे जो है इसराइल ने ब्लॉकेट लगा रखा है, हर तरफ से ब्लॉकेट कर रखा है गाजा को, ठीक है, लैंड, नेवल, नेवल, ठीक है, नेवल रूट वगैरह जो है हमस को, क्योंकि एक तरह से ये बहुत ज्यादा, देखो जहाँ पे जैसे लिखा है कि इस्लामिस्ट मूवमेंट दैट कंट्रोल गाजा स्ट्रिप, तो ये बिल्कुल जो है इसराइल के बिल्कुल अगेंस्ट है, मतलब इनका कहना ये है कि इसराइल को तो एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, ये पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, तो इसराइल को एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो बहुत उसके पूरे पूरी तरह से खिलाफ है। तो दैट कंट्रोल्स गाजा स्ट्रिप रिसेंटली केम अप विद अ न्यू पॉलिटिकल चार्टर, तो ये अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि एक नया पॉलिटिकल चार्टर जो है इन्होंने, दैट सिग्नल्स अ रेडीनेस टू डील विद इजराइल एंड एक्सेप्ट द 1967 बॉर्डर फॉर फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट। 1967 बॉर्डर, अब देखो क्या है, जो 6 डे वॉर के बाद जो 1967 में क्या 6 डे वॉर ही तो हुई थी, तो एक्सेप्ट द 1967 बॉर्डर फॉर अ फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट। तो ये चीज इन्होंने, हमस ने इस पॉलिटिकल चार्टर में बोली है। उसके बाद यहाँ पे हमस एंड फतह, तो फतह जो है अभी पैलेस्टीन जो वेस्ट बैंक है उसमें एक्टिव है, और हमस जो है वो गाजा में, ठीक है। तो यहाँ पे पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास पार्टी दैट रूल्स पार्ट ऑफ वेस्ट बैंक, देखो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ वेस्ट बैंक, ऑल्सो रीच्ड अ रिकंसिलेशन एग्रीमेंट रिसेंटली, दिस कुड हैव बीन यूज्ड एज एन ओपनिंग टू ब्रेक द लॉग जैम इन द पीस प्रोसेस। तो दोनों ही तरफ से, वेस्ट बैंक और यहाँ पे गाजा, दोनों ही तरफ से जो है एक बातचीत का जो एक वो होता है पॉसिबिलिटी जो है थी बातचीत की, वो ज्यादा थी, लेकिन अगर ट्रम्प चाहते तो दोनों से बातचीत करके जो है एक समझौता करवाने की कोशिश कर सकते थे। इसराइल्स हिस्ट्री सजेस्ट दैट इट विल नॉट एग्री टू एनी कॉम्प्रोमाइज अनलेस इट इज फोर्स टू डू, जब तक फोर्स नहीं किया जाएगा तब तक इसराइल जो है किसी कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होगा। तो ये इशू था इसमें। उसके बाद आगे चलते हैं, लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ एमर्जिंग माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की हमने पहले भी बात की हुई है, कि कुछ भी होता है लोग क्या करते हैं एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, धड़ाधड़ एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, उससे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाने से क्या होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो पैथोजेंस हैं बॉडी में, पैथोजेंस का मतलब होता है डिसीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है। तो वो जो है एक तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, अडेप्ट कर लेते हैं, या फिर उन पे एंटीबायोटिक का असर होता नहीं है, ये
कहने का मतलब है। तो अभी तक अंटिल नाउ इंडियाज फाइट अगेंस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाज फोकस्ड ऑन गेटिंग पीपल टू कट डाउन ऑन अननेसेसरी एंटीबायोटिक कंजम्पशन। ठीक, हैविंग टू मैनी एंटीबायोटिक्स कॉज बॉडली पैथोजेंस टू रेजिस्ट दीज मिरेकल ड्रग्स। तो उसके बाद लेकिन अभी तक तो ये बात थी कि ये फोकस दिया जा रहा था कि लोग जो है फालतू में एंटीबायोटिक्स ना खाएं, जब डॉक्टर रेकमेंड करें तभी खाएं और ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ना लें, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है बॉडी में डेवलप हो जाता है, फिर उस छोटी से छोटी बीमारी को भी टैकल करने में जो है मुश्किल होती है। तो बट फॉर द फर्स्ट टाइम, अब यहाँ पे एक अलग ही डायमेंशन दिया है, यहाँ पे एक अलग ही चीज़ यहाँ पे दिखाई है कि द 2017 नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टॉक अबाउट लिमिटिंग एंटीबायोटिक इन एफ्लुएंट बींग डम्प्ड बाय ड्रग मेकर्स इन द एनवायरमेंट। एफ्लुएंट मतलब होता है यहाँ पे वेस्ट वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि जो वेस्ट वाटर है उसमें जो है एंटीबायोटिक नहीं होना चाहिए। जो आप वेस्ट वाटर, जो आप जो भी फार्मा कंपनीज वगैरह होती हैं, तो जो भी आप ड्रग्स उसमें, मतलब ऐसा वेस्ट वाटर जिसमें ड्रग्स मिली हो या कुछ भी ऐसा, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जाता है फिर एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट में जो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो जो है वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये बोला है कि जो वेस्ट वाटर है उसमें एंटीबायोटिक ड्रग्स को या आप डंप कर रहे हो, ठीक है, या किसी भी तरह से जो है उस पानी में एंटीबायोटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फ्लो करके जाता है, मतलब बाकी एनवायरनमेंट में जाएगा, फिर उससे क्या होगा, जो माइक्रोब्स हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे बोला है लिमिटिंग एंटीबायोटिक्स इन एफ्लुएंट्स बीइंग डंप्ड बाय ड्रग मेकर्स इनटू द एनवायरनमेंट, दिस इज बिकॉज व्हेन दीज ड्रग्स टेंट सॉइल एंड वाटर द माइक्रोब्स दैट लिव देयर ग्रो ड्रग रेजिस्टेंट, बट ओनली अ थर्ड ओनली अ टाइनी प्रोपोर्शन ऑफ दीज एनवायरमेंटल माइक्रोब्स ट्रिगर डिसीज इन ह्यूमंस। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। उसके बाद बॉटम लाइन ये है कि सॉइल एंड वाटर स्पीशीज, जो माइक्रोब सॉइल और वाटर में रह रहे हैं, हैव अ स्टॉक पाइल ऑफ रेजिस्टेंस जीन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जीन्स विच जम्प टू पैथोजेंस नाउ एंड देन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बोली है कि देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस जीन की बात की है, तो दो तरीके होते हैं इसके। ठीक है, कि ये जो माइक्रोब्स हैं इनको, इनके अंदर रेजिस्टेंस जीन आए, इसके दो तरह तरीके होते हैं। एक तो ये कि ये म्यूटेशन हो इन इट्स ओन जीन। ठीक है, दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो है नेबर्स या अपने एनवायरनमेंट से जो है ये बोरो करे रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, तो अगर म्यूटेशन की बात, तो म्यूटेशन होता क्या है? म्यूटेशन देखो सेल में, ये आपने बायो में पढ़ा होगा कि सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में फिर क्रोमोजोम होता है। ठीक है, जो एक इस तरह से बना होता है, तो इस तरह से क्रोमोजोम होता है, तो इस क्रोमोजोम में डीएनए होता है। ठीक है, तो टोटल जो है 46, टोटल मतलब एक होता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, तो टोटल जो है 46 क्रोमोजोम्स माने जाते हैं, टोटल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक, तो उस क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है, डीएनए, एंड डीएनए डीएनए का सबको पता होगा, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो अब ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये आपका डीएनए है, बीच में यहाँ पे जो है ये बेसिस हैं। ठीक है, बेसिस होते हैं यहाँ पे ए टी सी जी। ठीक है, तो इनकी पेयरिंग होती है आपस में, तो एक डीएनए का एक पार्ट, यानी कि इसको बोल सकते हैं अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए। ठीक है, तो दैट इज जीन, और जीन बेसिकली जैसे कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मम्मी मम्मी की कोई आदत, मम्मी पापा की कोई आदत आप में आ जाती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ जीन। ठीक है, इनहेरिटेंस, तो कुछ या कोई डिसीज ऐसा होता है कि बहुत सारे माँ बाप की डिसीज जो है उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ जीन। ठीक है, हैबिट्स में, और यहाँ पे एटीसीजी, ये बेसिस जो जो ये यहाँ पे इस तरह से लैडर शेप होती है, तो ये जो है बॉन्डिंग होती है ए की टी के साथ, सी की जी के साथ। ठीक है, अगर म्यूटेशन होती है तो इसमें मिसमैच हो जाता है, जैसे ए जी के साथ मैच कर जाएगा,
या सी टी के साथ, तो मिसमैच की वजह से. म्यूटेशन का मतलब होता है इन बेसिस की बॉन्डिंग में जो है मिसमैच होना. तो एक तो ये म्यूटेट कर सकता है इट्स ओन जीन. ठीक, जीन का मतलब ए स्ट्रेच ऑफ डीएनए, और ये जो इसके अंदर जो जो इसके अंदर ये इस तरह से लैडर बनी है, एक तरह से बॉन्ड है. ठीक है, तो ये बेसिस में बॉन्ड्स हैं, तो इसमें मिसमैच होना. ठीक है, जैसे ये ऑर्डर है कि एक ए टी के साथ बॉन्ड होता है, सी जी के साथ बॉन्ड होता है, तो जब इसमें मिसमैच होता है तो दैट इज म्यूटेशन. ये आपको बायो में मिल जाएगा, जो बायो की बुक्स हैं तो उसमें मिल जाएगा, एनसीईआरटी में. उसमें 11 या 12th की क्लास, 12th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं म्यूटेशन का चैप्टर. उसके बाद है व्हेन ह्यूमंस स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंटीबायोटिक्स इन 1950s, अ ड्रामेटिक शिफ्ट अकर्ड. लार्ज डोसेस ऑफ दीज ड्रग्स सीप्ड इनटू एनवायरनमेंट थ्रू पोल्ट्री, ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम ड्रग मेकर्स एंड हॉस्पिटल्स. दिस लेड टू एक्सप्लोजन ऑफ रेजिस्टेंस जीन इन सॉइल एंड वाटर माइक्रोब्स. ठीक है, हाउ लाइकली आर दीज जीन्स टू मेक जर्नी फ्रॉम, अब ये यहाँ से जो है एनवायरनमेंट से जो है ये ह्यूमन मतलब ह्यूमन पैथोजेंस में कैसे इनका ट्रांसफर होता है. हाउ लाइकली आर दीज जीन्स टू मेक जर्नी फ्रॉम लिविंग हार्मलेसली इन एनवायरनमेंट, अभी एनवायरनमेंट में है, टू ह्यूमन पैथोजेंस. ये लिंक जो है इज स्टिल अननोन कि कैसे ट्रांसफर होता है, बट अगर एक बार किसी इंसान में ट्रांसफर हो गया तो इसको फैलते हुए जो है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. बट द वरी इज दैट इफ इंडिया डजेंट मूव क्विकली, अगर इंडिया ने जो है फार्मा जितने भी कंपनीज वगैरह होती हैं, तो अगर उसमें वेस्ट वाटर में एंटीबायोटिक ड्रग्स मतलब अगर फ्लो जो हो रहे हैं उसको बंद नहीं करवाया, तो इफ इंडिया डजेंट मूव क्विकली वेस्ट वाटर इन फार्मा क्लस्टर कुड गिव राइज टू न्यू डेंजरस जीन्स. वन सच जीन जम्प टू ह्यूमन एंड दे विल नो डाउट प्लेस देयर वे अक्रॉस द प्लैनेट. एंड वेन दिस हैपन इट विल बी मोर देन अ पब्लिक रिलेशन डिजास्टर फॉर इंडिया, इट विल बी अ डेथ सेंटेंस फॉर इंडियंस एज वेल एज थाउजेंड्स अक्रॉस द ग्लोब. तो ये चीज यहाँ पे बोली गई है इस आर्टिकल में. ठीक है, तो ये थे आज के एडिटोरियल्स. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.